NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. शनिवार को बराज से नदी में 3,07,655 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है. कोसी नदी में जलस्तर में वृद्धि होने के साथ किशनपुरा प्रखंड क्षेत्र के नवा बखार गांव के समीप श्रमदान से बनाए गए सुरक्षा बांध टूट गया, जिस कारण दर्जनों गाँव में पानी प्रवेश कर गया है. गाँव में कोसी नदी का पानी घुस जाने के बाद पीड़ितों को भोजन, पशु का चारा, आवागमन की समस्याएं उत्पन्न हो गई है. ग्रामीणों ने बताया कि काफी मेहनत से आपस में राशि इकट्ठा कर सुरक्षा बांध बनाया था. बांध को प्रशासन के द्वारा मजबूतीकरण नहीं करने दिया गया, जिस कारण बांध टूट गया. अब हम लोगों के घर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है. इधर सुरक्षा बांध के निर्माण के बाद कोसी नदी की धारा पश्चिमी बांध की ओर मुड़ गई थी, जिसके कारण अपर संख्या 6.4 पर काफी दबाव बढ़ गया था. वहीं इलाके में भारी बारिश की वजह से इलाके की नदियां भी उफान पर है. निर्मली प्रखंड क्षेत्र में बहने वाली तिलयुग नदी के उफनने के बाद कुनौल स्थित SSB कैंप में पानी प्रवेश कर गया है, जबकि छतापुर के सुरसर नदी उफनने से पुलिया ध्वस्त हो गया है, जहां आवागमन की समस्याएं खड़ी हो गई है. गौरतलब है कि हर वर्ष कोसी तटबंध के भीतर निवास कर रहे लाखों की आबादी को कोसी नदी का दंश खेलना पड़ता है. ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट, पटना. यहां पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव. हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल. गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए. कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा. अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222. सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स.